हरियाणा सरकार ने 2 नवंबर तक 51.50 लाख मैट्रिक टन धान की खरीदी कर ली है। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने बताया है कि दिवाली के कारण 7 नवंबर तक धान की खरीद बंद कर दी गई थी, 8 तारीख से फिर खरीद शुरू कर दी गई है। 15 नवंबर तक धान उत्पादन करने वाले 16 जिलों में एक एक दाने की खरीद करने का लक्ष्य है, यानी किसानों को अपनी फसल की बिक्री करने के लिए अभी एक सप्ताह का और समय मिलेगा। यहाँ पर 3 अक्टूबर से खरीद हो रही है। दुष्यंत चौटाला ने जानकारी दी है कि पिछले वर्ष यानी 2 नवंबर 2020 तक 50,30,000 मैट्रिक टन धान की खरीदी की गई थी, उसके मुकाबले हम इस साल खरीद में आगे हैं। उन्होंने बताया है कि विभिन्न एजेंसियों द्वारा धान की खरीद कर किसानों के खातों में 8,900 करोड़ रुपए भेजे गए हैं। वहीं खरीफ मार्केटिंग सीजन 2020-21 में राज्य सरकार ने 56.55 लाख मैट्रिक टन धान खरीदा था। यह उससे पहले हुई खरीद से कम है, लेकिन इस बार इससे अधिक धान खरीदी जाने की उम्मीद है। अभी खरीद प्रक्रिया पूरी होने में एक सप्ताह शेष है। साल 2019-20 में 64.29 लाख मैट्रिक टन धान खरीदा गया था, जबकि 2018-19 में 58.83 लाख टन की खरीद हुई थी। इसी तरह 2017-18 में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 59.58 लाख मैट्रिक टन धान की खरीद हुई थी। हरियाणा ऐसा पहला राज्य है जहां किसानों को MSP के पैसे का भुगतान अगर देरी से हो रहा हो तो किसानों को ब्याज दिया जाएगा। फसलों के भुगतान की समय सीमा 72 घंटे निर्धारित की गई है। सरकार कोशिश कर रही है कि उससे पहले ही पैसा किसानों के बैंक खातों में चला जाए। पिछले सीजन में भुगतान में देरी की वजह से किसानों को 1 करोड़ रुपए से ज्यादा का ब्याज दिया गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।